धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा धन्यवाद। राजाओं की राजा, राजाओं की राजा, राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु जी, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु पापा धन्यवाद, यीशु पापा धन्यवाद। महान महिमा में परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन में बताता है मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख। मेरे प्रियजनों, आइए, हमारा परमेश्वर आज आपको और मुझे बता रहा है कि मत डर, केवल तू विश्वास कर, भरोसा रख, प्रभु तुझे हिम्मत देगा, ओ प्रभु तुझे बल देगा, ताकत देगा, और तुझे प्रभु अपने वचनों के सामर्थ्य द्वारा भर देगा। हालेलुया 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 जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। महान महिमा में परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, इनके जीवन से वो कठिन से कठिन मुसीबत, इनके जीवन से वो कठिन से कठिन समय, वो कठिन से कठिन बीमारी से प्रभु जी बाहर निकलने पाए। और आज के सुंदर मेरे प्रभु जी, ये शाम के समय में, शाम के समय में, शाम के बेलम प्रभु जी, विशेषकर आपके करुणा से, आपके सामर्थ से, आपके नए बल से, नया ताकत से, नई हिम्मत से परमेश्वर आज आपको बढ़ाने वाला है, आज आपको प्रभु यीशु उठाने वाला है। हालेलुया हालेलुया, जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, इस समय होने दे पिता, ओ इस समय होने दे प्रभु जी। यीशु मेरा रक्षा करने वाला, यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा गढ़, यीशु मेरा चट्टान, यीशु मेरा आज सब कुछ है वो। इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, निश्चिंत होकर मेरे प्रभु आज के शाम के बेला में बीते दिनों के लिए धन्यवाद करो, बीते सप्ताहों के लिए धन्यवाद करो, बीते एक एक महीनों के लिए धन्यवाद करो। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आपने बीते दिनों में काम धाम करने में सहायता मदद किया, मुझे प्रभु आपने हर कष्टों से, हर मुसीबतों से, हर दुख और तकलीफों से, हर महामारी से, हर गरीबी से, हर उन अंधकार की शक्ति से प्रभु आपने बचा लिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता, आपकी बरकत को मांगते हैं पिता। न जाने से कितने बेटा बेटी हैं, ओ न जाने से कितने भाई और बहन हैं पिता, जो आज टूट चुके हैं, जो आज निराश हैं, हताश हैं, कमजोर हैं प्रभु जी, आज उनके सारे दुख और तकलीफों को, आज उनके सारे समस्याओं को मसीह यीशु के नाम से आज दूर करना पिता, मसीह यीशु के नाम से आज सारे अंधकार की शक्तियां मिटने पाए, ओ मसीह यीशु के नाम से सारे अंधकार की शक्तियां आज नष्ट होने पाए। हे पिता दया कर प्रभु जी, हे पिता प्रभु, आपकी प्रेम, आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा और रक्षा हर एक बेटा बेटियों साथ बनी रहने पाए पिता। ओ लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा दया कर, दया कर। ओ यीशु पापा, यीशु पापा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। हे मेरे प्रभु, जो आज सचमुच में पिता उन चिंताओं से, उन दुखों से, उन कष्टों से प्रभु जी, उन कर्जों से प्रभु जी लदे हुए, फंसे हुए हैं प्रभु, ऐसे हर एक प्रकार के लदे हुए, फंसे हुए बातों से प्रभु वो छूट कर प्रभु तेरी महिमा करने पाए, वो छूट कर प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। हे प्रभु, हर श्राप और बंधन टूटने पाए, हे प्रभु हर समस्या यीशु के नाम से हटने पाए, हर अंधकार की ताकत आज यीशु के नाम से जड़ से खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ, सारी बीमारी, ओ सारे गरीबी का श्राप और बंधन मसीह यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से आज अंधकार के सारे शक्तियां जड़ से उखड़कर बाहर रखने पाए प्रभु जी। हे पिता, आज के शाम के बेला में प्रभु विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए प्रभु जी, जो आज सचमुच में पिता आपके पास में बैठे पाए जाते हैं, आपके निकट में बैठे पाए जाते हैं प्रभु जी, लेकिन उनका जीवन, उनका हृदय, उनका सोच और विचार प्रभु जी आपके वचन से प्रभु मैच नहीं करता पिता, लेकिन प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक लोगों के लिए, ऐसे हर एक बातों के लिए, ऐसे हर एक समस्याओं के लिए प्रभु यीशु के नाम से, उनकी जिंदगियां प्रभु बहुत अद्भुत रीति से, भयंकर रीति से प्रभु वो चेंजेस को देखने पाए पिता, वो बहुत बड़े बदलाव को देखने पाए पिता मेरे प्रभु, क्योंकि आज के शाम की बेला इन हर एक बेटा बेटियों के लिए, इन हर एक भाई और बहनों के लिए प्रभु तू सचमुच में रास्ता और मार्ग निकालना, उस दुख की घड़ी में, उस दुख के समय में, उस चिंता के समय में, वो परेशानी के समय में प्रभु तुझे निकालने जा रहा है, प्रभु तुझे हिम्मत देने जा रहा है, प्रभु तुझे बल देने जा रहा है, प्रभु तुझे ताकत देने जा रहा है, प्रभु तुझे आज उठाने जा रहा है, प्रभु तुझे नया बल, नया सामर्थ, नया ताकत प्रभु आज आपको देने जा रहा है। विशेषकर आप हिम्मत नहीं हारना है, आपको मेरे प्रभु डरना नहीं है, हिम्मत और बल
प्रभु यीशु मसीह ताकत देने वाला है। ओ यीशु प्रभु आपको देने वाला है विश्वास के साथ, गारंटी के साथ। निश्चय आप प्रभु से मांगोगे तो आज आपको मिल जाएगा। ओ क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ओ उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो मेरे प्रियो आपके जीवन को, आपके हृदय को, आपके सोच विचारों को, आपके स्वभाव को, आपके आचरण को परमेश्वर देखता है। इसलिए डरना छोड़ दे, इसलिए घबराना छोड़ दे। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु मसीह के आज निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुम्हारे पास में आएगा, वह भी तुम्हारे साथ रहेगा, वह भी तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ तुमको डरना नहीं है, ओ डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो निश्चय तेरे मेरे प्रभु आज तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ओ सीधा मार्ग निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में दर्द है, हो सकता है आपके जीवन में कष्ट और मुसीबत है, परेशानी है, ऐसे चिंता है, दुख और तकलीफ है। हर एक समस्याओं को, हर एक मुसीबतों को यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, बार करते हैं। हालेलुया री बाबा बारी खानदार रामा यस यस यस। ओ कमजोरी का श्राप टूटने लगे, ओ कमजोरी का श्राप टूटने लगे। हर एक प्रकार की पृथ्वी का बंधन आज यीशु के नाम से उनके जीवन में जड़ से खत्म होने लगे। ओ लॉर्ड जीसस 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। प्रेमी परमेश्वर होने दे पिता, होने दे प्रभु जी, होने दे पिता। मैं चाहता हूँ कि आज हर एक बेटा बेटी, हर एक भाई बहन, हर एक लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, आज जहाँ से भी जैसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भी वो जहाँ भी बैठ कर जैसे भी कर रहे हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा वचन का सामर्थ, ओ तेरे वचन का सामर्थ उनके जीवन में अद्भुत रीति से चेंजेस को लेकर आने पाए पिता, अद्भुत रीति से उनके जीवन में चेंजेस को लेकर आने पाए प्रभु जी। उठना बैठना चलना फिरना हर परिस्थिति में, हर ऐसी प्रभु जी आज उनका जीवन बदल जाए पिता, उनके हर स्थिति में प्रभु उनका इच्छा बदल जाए, क्योंकि वचन में लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। मेरे प्रियजनों प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे कह रहा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानकर अपने जीवन में जीता है। इसलिए डरना छोड़ दो आज, क्योंकि यहोवा आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। उस दुख से, उस चिंता से डरो नहीं। आज उस दुख से डरोगे तो आज आपको जीवन में चंगाई नहीं मिल पाएगा। उस संकट से, उस परेशानी से डर के आज जीवन बिताओगे तो आपके जीवन में वो कष्ट और दुख, मुसीबत, परेशानी है वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मेरे प्रियो आपके बहुत बड़े मेरे प्रियो शरीर में चंगाई और छुटकारा को देखना चाहते हैं तो सचमुच में परमेश्वर को उस तहे दिल से, उस गाढ़े अभिषेक के द्वारा आपको प्रेम करना है और मेरे प्रियो परमेश्वर को कहना कि प्रभु मेरे जीवन में तू आ, मेरे परिवार में आ, मेरे घर में आ, मेरे हालातों को बदल, मेरे परिस्थितियों को बदल, मेरे सारी चिंताओं को दूर कर, मेरे सारे कष्टों को दूर कर, मुझे हिम्मत दे, मुझे बल दे, मुझे ताकत दे। आज सारे लोगों के जीवन में अंधकार के सारे शक्तियां मिटने पाए प्रभु जी। हे पिता तू आज बदल दे पिता, हे प्रभु आज छू ले पिता, हे प्रभु तू टच कर। आज न जाने से कितने भाई और बहन, न जाने से कितने बेटा और बेटी है, यीशु के नाम से अंधकार के सारे शक्ति युक्ति योजनाओं को हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं प्रभु जी। पिता होने दे प्रभु, आज होने दे पिता सारे बेटा बेटियों के जीवन में, ओ प्रभु जी अंधकार के सारे शक्तियों को, तमाम युक्ति योजनाओं को हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं। आज उनको हिम्मत मिलने पाए प्रभु जी, उस बड़े कलेश से प्रभु जी वो बाहर निकलने पाए, उन पर प्रभु तेरी आशीष, उन पर प्रभु तेरी कृपा, ओ प्रभु जी आज होने पाए पिता। बड़े कलेश में पवित्र आत्मा की आनंद से आप भर जाएंगे मेरे प्रियो, उस बड़े कलेश में, उस बड़ी महामारी में प्रभु आपको निकालेगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको नया बल देगा, प्रभु आपको नया ताकत देगा, नया हिम्मत देगा। ये प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल देगा, ये प्रार्थना आपके मेरे प्रियो सारे मेरी परिस्थिति को बदल देगा। पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवन में रिसीव हो जाएगा मेरे प्रियो। विशेषकर आप ध्यान से सुने, मन लगाकर प्रार्थना को सुने, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में मन लगाकर प्रार्थना करता है, मन से और वचन से, कर्म से, किसी प्रकार कोई भी दुख और संकट, चिंता, मुसीबत अपने जीवन में नहीं आने देता है, ऐसे हर परिस्थिति से वो परमेश्वर उसको उठाता है और उसको नया जीवन देता है। हालेलुया मेरे प्रियजनों, प्रार्थना के साथ प्रभु को पुकारो, प्रार्थना के साथ प्रभु को ढूंढो। ओ प्रार्थना के साथ प्रभु को जब ढूंढेंगे, प्रार्थना के साथ जब प्रभु को आज खोजेंगे तो मेरे प्रियजनों आपके हालातों को प्रभु बदल देगा, आपके हालातों को प्रभु बदल देगा, आपके लिए मेरे प्रिय परमेश्वर जो उपाय करेगा,
और नया मन्ना खिलाएगा प्रभु, और नया ताकत देगा आपको, नया बल देगा, नया सामर्थ देगा, नई आशीषों से भर देगा परमेश्वर आपको। ओ लॉर्ड जीसस, जीसस, यस यस यस, होने दे पिता, होने दे प्रभु जी। आज एक एक बेटा बेटियों की जिंदगियों से सारे परेशानियां इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से जड़ से उखड़कर बाहर अपने पाए कंपाउंड करते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा, ओ परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य द्वारा सारे बंधन टूटने लगे, ओ सारे बंधन टूटने लगे। अंधकार के सारे शक्तियां जल जाओ, अंधकार के सारे शक्तियां जल जाओ मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के नाम से। तेरा प्रकाश चमकने पाए, ओ तेरा प्रकाश चमकने पाए, यीशु का सामर्थ्य, यीशु का सामर्थ्य। हालेलुया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज हर एक बेटे बेटी की प्रार्थना और दुआ को सुनाए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हर एक प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन।